हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सुबह की हमारी हो रही है पूजा और मैं अपना शिव चालीसा पढ़ती हूँ, दुर्गा चालीसा भी पढ़ती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शंकर भगवान से लगाव ज़्यादा है। तो शिव चालीसा पढ़ती हूँ, फिर आरती करती हूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने दाल बनने के लिए रखती है। और एक बार नहीं, 2 बार चाय बन चुकी है। और फिर अब नहाने के बाद बनाई है, क्योंकि जिसका मन करता है वो बना लेता है। वैसे एक बार सबकी बन चुकी है और फिर इनका मन नहीं मानता तो ये दोबारा पी लेते हैं। हम लोग तो फिर नहाने के बाद ही बनाते हैं। और तो चाय आप लोग भी आ जाइएगा। नाश्ता कुछ भी नहीं बना रही हूँ क्योंकि इन लोगों को कहीं जाना था, तो एकदम से मैंने फटाफट खाना ही तैयार कर दिया है। और बच्चों और दीदी को भी कहीं जाना है, मतलब तो घर में सभी लोग जा रहे हैं, बस मैं ही बचूंगी। तो मैं यहाँ पे शिमला मिर्च आलू डाल के फ्राई करके बनाऊंगी। शिमला मिर्च तो मुझे वैसे अच्छी लगती है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। और मैं इसे बॉयल होने के लिए रख दे रही हूँ, बस थोड़ी सी रिफाइंड डालूंगी। और इसमें मैंने थोड़ा खड़ा प्याज भी डाल दिया है काट के ऐसे ही। और लहसुन प्याज शिमला मिर्च आलू इन सबको पानी नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, क्योंकि शिमला मिर्च में थोड़ा बहुत पानी निकल ही आता है, तो इसको पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं। और थोड़ी सी तेल मतलब ऑयल भी होगा उसमें। हाँ, ऐसे जुखाम और खांसी तो बिल्कुल भी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, और बुखार भी साथ में। इतने दिन हो गए फिर भी ये नहीं लग रहा है कि मैं मतलब ठीक हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे। और बस इसको अच्छे से चला के सिर्फ नमक डाला है हमने और कुछ भी नहीं। उसको अच्छे से चला के ढक देंगे तो ये पकती रहेगी सब्जी। और पता, मेरा सारा खाना उल्टा सुल्टा हो गया, पता क्यों हो गया कि इन लोगों ने कहा कि पराठा सेक, तो फिर मैंने पराठा सेके, दाल भी बन चुकी है, चावल भी बन चुके, और सब गड़बड़ हो गया है। इतनी भर एकदम से इन्होंने बड़बड़ी कर दी। तो फिर जल्दी जल्दी में तो यहाँ पर नमक डाल दिया और बस चला के इसको ढक देंगे। और हमने कहा था ना बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, मैं काफ़ी पानी छूट गया था इसमें। शिमला मिर्च है, गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, इनमें पानी नहीं डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस थोड़ी सी गैस कम कर स्लो कर देते हैं और बस पक जाती है ज़्यादातर सब्जी। और इसको मैं ढक दे रही हूँ। किचन मेरी भाई जल्दीबाजी में थोड़ा फैल जाती है काम करने में, तो यहाँ पे मेरी दाल भी पक रही है साथ में। और सीटी नहीं आ रही थी तो मुझे डर लगता रहता है ना कुकर एकदम फटने का, पर इस वजह से मैं ध्यान रखती हूँ। और उसके बाद मैं साथ में चावल बीन रही हूँ। ये खड़ा नमक इसमें पड़ा हुआ था, पता मैंने दोनों ये डाल दी थी, इसमें नमक इतना तेज हो गया था चावल में। और फिर मैंने चावल पकने के लिए रख दिया। यहाँ पे पराठा सेक रही हूँ और फिर मैंने भैया की थाली लगाई। और पर इसको खाना था, फिर सब लोग खा चुके और उन्होंने कहा हम तो पपीता खाएंगे, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इनका पपीता काट दिया हमने। ये लोग खा के चले गए। फिर मैंने बच्चों को नहलाया, बच्चों को तैयार कर रही हूँ, अब ये लोग जाएंगे। सुबह से इतनी जल्दी इनको दाल चावल खिलाया, तैयार किया, फिर इनको दाल चावल खिलाए। और ये देख टॉफ़ी रखी हुई थी मेरे पास, इमली वाली। आजकल मेरे बुखार की वजह से मन नहीं करता है ना, तो इमली वाली टॉफ़ी रख लेती हूँ मैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। देखो इतनी जब भाग के जा रहे हैं, जैसे दीदी कहीं चली ना, दीदी ने खाना पैक कर लिया, पूड़ियाँ और सब्जी, ये लोग भी घूमने के लिए जा रहे हैं। और तो दीदी ने गिलास ही रख ली है, पानी वाली बोतल रख ली है सर बोले में। पहले दीदी ने कहा इधर से जाएंगे, अपनी कह रही नहीं बुआ इधर से चलो, बस आप यही डिसाइड कर रहे थे, बुआ भतीजे यहाँ पे खड़े हुए यही कह रहे थे इधर से। फिर दीदी का मन नहीं माना, दीदी ने कहा इधर थोड़ा गंदा ना हो,
ये देखो आवाज कितनी तेज उड़ रहा है। और गाय देख, गाय देखो, गाय और सांड ऐसे बैठे रहते हैं यहाँ पर। और फिर लोगों को भेजने के बाद फिर वही काम, गमला उठा के मैंने तुलसी वाला तो धूप में रख दिया था, क्योंकि तुलसी है ना एकदम से, तीन चार तुलसी तो चली भी गई हैं, धूप नहीं लगती इस वजह से, पता नहीं क्या, उसको धूप में रख दिया। कपड़े वगैरह सारे पड़े हुए थे वो रखे, उठा मशीन में डाल दिए, सामान वगैरह था। लोगों को भेजने के बाद में फिर कपड़े, ये देखो मेरे सूट है ना, बंदर ने कैसे फाड़ दिया है, बहुत बुरा लगा। वो बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देते हैं कपड़े, कभी कभी वैसे ज़्यादा उठा के ले नहीं जाते हैं बाहर से, कभी कभी उनका मन आ जाता है तो ले जाते हैं, पता बाहर से सब लोग चिल्लाने लगे कपड़े ले गए कपड़े ले गए, तो वो लेके फाड़ देते हैं। वैसे हम तो गेट बंद कर लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। और बस इन लोगों को भेजने के बाद फिर मैं कपड़े धो रही थी, बीच बीच में किचन का काम भी साथ में करती जा रही थी। और फिर उसके बाद मैं फिर से कपड़े पार डाल दे रही हूँ, तो बीच बीच में अपना किचन का भी काम होता जा रहा, साथ में मशीन भी लगा रखी है, झाड़ू लगाना, बस यही सब साफ सफाई का काम चल रहा है। और बस इन लोगों के लिए खाना वाना बनाया था, खा के सभी लोग चले गए हैं, और अभी हमने नहीं खाया है ना, हमने अपने लिए रोटियां सेकी भी नहीं थी। अपने मैं कपड़े भी डालती जा रही हूँ, साथ में वीडियो का एंड भी कर रही हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको डेली डेली मिलती रहे। और अब बहुत तेज़ मुझे भूख लग रही है, मैं सेक रही हूँ अपने लिए रोटियाँ, मिलती हूँ आप लोगों से एक